उसको पेपर से पर्दे पे लाना बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है। आपने देखा कितना कितना रिस्ट्रेंट रखे हुए सर ने डायरेक्ट किया है, और विजुअली उसको उस विजुअल को एक ऐसा म्यूजिक, एक ऐसा साउंड, एक ऐसी आवाज दी है जिसकी वजह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक्चुअली माय वाइफ वाज क्राइंग, एक्चुअली तो रो रही थी। तो बात यह है कि इसको सोचना, पेपर पे सोचना और उसको एग्जीक्यूट करके ये रिजल्ट देना, हैट्स ऑफ टू यू सर, ऑनेस्टली। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू, आपने, यू मेड मी अ पार्ट ऑफ दिस, एंड आई स्टिल वॉन्ट टू नो कि वाई मी। ये सवाल मैंने इनसे पूछा था कि वाई मी, मैं क्यों, मामा के रोल में आप मुझे क्यों देखते हैं, इसका जवाब ये आज देंगे मुझे। थैंक यू। योर आईज, यस, हैव यू गाइस नोटिस द अमाउंट ऑफ क्लोजअप्स आई हैव पुट ऑन सर, एंड दे वर नॉट रेगुलर क्लोजअप्स, दे वर लिटरली राम गोपाल वर्मा क्लोजअप्स, यू नो, दे वर लाइक आई लिटरली वेंट इन टू हिज आईज, बट एनीवे। सो आई थिंक, हेलो एवरीबॉडी, हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस। Thank you for being such a lovely crowd and giving us such a round of applauses, such thundering round of applauses. Thank you so much. It's what every artist needs. With respect to your question, I think like everyone here, Appa sir, Mastan sir, Shan sir, Sameer sir, everyone has mentioned that it's all about teamwork. I don't think I would have been able to even, you know, deliver a dialogue if it was not Divyansh's direction to make me understand what the character is. If it was not Sameer's song, sorry, Sameer, I'm saying, Samarth's song, Samarth's music playing in the background for me to feel the emotion. If it was not Sameer sir's lyrics for me to understand. He played it on the set when I would cry, or if I had to walk, or if I had to, and if it is of course not the most amazing Shan sir's voice for me to like feel it right here in the core, what Shiv Patil, my character, is going through. I wouldn't have been able to deliver a single dialogue. So 110% it's teamwork, and it's my responsibility as the lead to understand, and with the help of Anish here, to relate to what he felt in childhood and what I'm feeling when I'm an adult. So I think that's about it. I think it's all teamwork. So yeah, it was a lovely experience to end it. Yeah. आपको सच बताइएगा, डर लगा था क्या? हाँ, मुझे डर लगा था जब हम रोल चल रहा था जिसमें सर ने बोला था विभूति बाहर जाके दरवाजा बंद कर लो, तो फिर तभी सर ने पहले बार बोला आराम से, और मतलब हम लोग को पता नहीं था सर ऐसे बोलने वाले, मैं बस सामने बैठा था। पहली बार सर ने नॉर्मली बोला कि विभूति बाहर जाके दरवाजा बंद कर ले, और फिर दूसरी बार एकदम जोर से चिल्ला के बोला, मैं तो ऐसा डर गया था, एकदम एकदम अंदर से अचानक ऐसा ऐसा असली वाला ऐसा आ गया। अच्छा बेटा, आप बताइए, डर लगा था क्या? लगा था, अभी भी लगा। Well, thank you, sir. इतना अच्छा information बाहर आ गया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता ऐसा हुआ था। All right, and you tell me, how is your experience? Hello everyone, happy Dhanteras and happy Diwali. Thank you so much for coming here and taking your time out, and thank you so much for all the appreciation. मैं और दिव्यांश, I think 2016 से काम करना चाह रहे एक दूसरे के साथ। मुझे बहुत खुशी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि अब इस फिल्म के साथ मुझे ये मौका मिला है। एक छोटा सा पार्ट प्ले किया मैंने, आई होप आप लोग, आई ट्राई टू डू माई बेस्ट। एक मैसेज के साथ हम लोगों ने ये कोशिश की, आई थिंक हम लोग कुछ छाप छोड़ पाए हो आपके दिलों में, एंड थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल। I think you were absolutely natural. Wasn't she fantastic in the film? Well, congratulations once again to the entire team. Ma'am, aapne
जो ट्रांजिशन लिया है फ्रॉम दैट यू नो स्वीट स्वीट मामी टू दैट विकेड लुक, आई मीन हाउ इज योर एक्सपीरियंस? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन जो सेट पे है और जो हमारे सामने है. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए. आज धनतेरस का दिन है और आज शुक्रवार है और मैंने सुना है कि यहाँ मुंबई में हर शुक्रवार को एक स्टार की किस्मत बदलती है. सो आई एम होपिंग फॉर द सेम. बट मेरी सीरियस नोट, सबसे पहले मैं दिव्यांश को थैंक यू कहना चाहूँगी. ये उनके साथ मेरी चौथी प्रोजेक्ट है और ये तब से काम कर रहे हैं जब ये पढ़ रहे थे एक्टिंग के, और हर बार मैंने इनके साथ काम करके अपने आप को एज एन एक्टर कुछ ऊपर देखा है. मेरे अंदर से जो ये काम निकलवा पाते हैं इनको देख के पहले लगता था ये बच्चा है क्या करेगा, पर ये बच्चा जो है बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, बहुत काबिल बच्चा है. और हमारे सेट पे जितने भी लोग हैं, यतीन जी को मैं स्वाभिमान से देखती थी, तो एक एक्टर जो होता है ना अपने अच्छे को एक्टर के साथ काम करने का मैनिफेस्ट करता है. सर यतीन सर, आज मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ है. और समीर सर, मैं आपसे मिल चुकी हूँ पहले भी, और आदिल बहुत दूसरी बार मेरा बेटा बन चुका है और हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है. और शान, आपको मैंने गोवा में आमने सामने सुना था और वैसे तो सुनती ही रहती हूँ. बहरहाल मुझे इस टीम के साथ काम करना इतना अच्छा लगा कि मैं जब तक जिंदा हूँ इस टीम के साथ काम करना चाहूँगी. I would like to say